हे, वेलकम बैक टू माई चैनल क्रेजी फॉर यू बियर स्टोरी। सो पहले ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइस कि मैं अपने इस चैनल पर क्रेजी फॉर यू बियर स्टोरीज पर किस्मी लायर को एक्सप्लेन कर रही हूँ और सीज़न 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मैं उन सभी वीडियोस को उस पर ट्रांसफ़र कर दूंगी क्योंकि वो जो मेरा चैनल है बियर लव वाला, इट्स बियर लव, उसको मैं ऑडियो मांगा के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कोई भी साउंड सुनाई दे तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं भी सुबह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ क्योंकि मैं लास्ट 2 दिनों से कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज इलेक्शन, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सच में इस एरिया में इतना ज़्यादा नॉइस हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती। जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं वो लोग ऑफ कोर्स समझ पा रहे होंगे कि मेरी प्रॉब्लम क्या चल रही है। इससे ज़्यादा मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं कह सकती, बट इतना कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा अननॉय फील कर रही हूँ। सो एनीवे गाइस, वीडियो पर फोकस करते हैं क्योंकि हमारी वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा स्वीट होने वाली है, क्योंकि लास्ट चैप्टर हमने देखा था कि हमारा जो खीद है ना, वो हमारे इन्वो के पास आ गया था और उसे ये तो पता चल गया था कि वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। और हमारा जो खीद होता है अभी उसे कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि अचानक से सारी चीज़ें कैसे हो गई, कैसे इस मोड़ पर सारी चीज़ें चली आई, प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सकता था हमारे इन्वो के सामने, क्योंकि अफकोर्स इन्वो को कुछ भी याद नहीं था। और उसके सामने कुछ भी कहना मतलब कि ऐसा हो जाता कि पत्थर के सामने सर मारना। सो गाइस, लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि इन्वो एंड कीथ आमने सामने बैठे हुए थे एंड हमारा जो इन्वो था वो हमारे कीथ को देखे जा रहा था। हमारा जो कीथ होता है वो सोचने लगता है कि मेरा जो पेशेंस है ना, वो बहुत लंबे समय तक इन्वो के सामने नहीं रहने वाला। प्लीज़ इन्वो, प्लीज़ कुछ कहो, मैं तुम्हारे सामने अपना पेशेंस नहीं खोना चाहता। लेकिन तभी हमारा जो इन्वो होता कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो आप मुझे डरा रहे हैं। एंड ये बात सुनते ही इनको गुस्सा आने लगता है एंड तभी इन्वो कहता है आई एम सॉरी बट ऐसा लगता है कि मेरे सर में कुछ दिक्कत है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, मैंने क्या कुछ गलत सुन लिया क्या। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो गीत होता कहता है कि तुम्हारे जो कान है वो सही है लेकिन तुम्हारा सर बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने कहा कि तुम और मैं मैरिड हैं और हमारा एक किड भी है, और इतना ही नहीं हमारी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत जल्दी ही आने वाली थी। तुम मुझे हर साल वेडिंग एनिवर्सरी पर एक रिंग गिफ्ट करते हो। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो इन्वो होता है उसे बिलीव नहीं होता और वो अपने हाथों को चेक करता है, लेकिन उसके रिंग फिंगर में तो कोई रिंग थी ही नहीं। एंड वो शक की नज़रों से हमारे कीत को देखने लगता और कीत कहता है रियली तुम अब मुझसे ये भी पूछने वाले हो, तुमने ये रिंग क्यों नहीं पहन के रखी, ये मैं कैसे बताऊं। और गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आपको कोई भी ज्वेलरी वेयर करने नहीं दी जाती, और ये चीज़ शायद हमारे इन्वो को नहीं पता थी। एंड एनीवे, तभी हमारा जो गीत होता है वो कहता है कि वेल तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, देखो अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो तुम जाकर इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, वहाँ पर हम दोनों के साथ में बहुत सारी पिक्चर्स है, और ऑफ कोर्स इंटरनेट तो झूठ नहीं बोलेगा। एंड तभी वो आगे कहता है कि स्पेंसर हमारा वेट कर रहा होगा, तुम्हारा वो कब से वेट कर रहा है, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग तुम्हें और तुम्हारी मेमोरी को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हारी जो मेमोरी है उसे वापस आने में नेचुरली काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है शायद। एंड उसके बाद ये बात सुनते ही हमारा जो इन्वो कहते हैं क्या, इतना कितना टाइम। एंड तभी की कहता है एनीवे मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है कहता है कि मैं अपनी मेमोरी खो बैठा हूँ और मेरी शादी हो गई है मिस्टर पिटमैन से, सीरियसली। एंड इतना ही नहीं, मैंने एक चाइल्ड को भी बर्थ दिया है, आपको क्या लगता है कि मैं ये बात मान जाऊँगा। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो गीत होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। एंड तभी इन्हों कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ और मुझे गुस्सा भी आ रहा है, बट मैं ये कैसे इन सारी चीज़ों पर बिलीव कर लूँ कि मेरी शादी आपसे हो गई है। एंड तभी हमारा जो गीत होता है सोचने लगता है इन्हों सच में काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा है, क्या मैं कोई बीस्ट हूँ, क्या मैं सच में एक बीस्ट जैसा बिहेव कर रहा हूँ। एंड तभी आगे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो क्यों ना जाकर तुम डॉक्टर से पूछ लेते हो, अगर मैं तुम्हें बोलूँगा तुम्हें मेरी बातों पे तो भरोसा होगा नहीं, तो आई थिंक तुम्हें उस पर तो ट्रस्ट होगा मुझसे ज़्यादा, तो जाकर उससे ही पूछ लो। एंड तभी हमारा जो कीत होता है कहता है यस
आई एम सॉरी मैंने आपको परेशान किया, बट मैं ये कर सकता हूँ। और ये बात सुनते ही हमारी गीत को गुस्सा आने लगता है, लाइक सीरियसली मेरी बातों पे तुम्हें भरोसा नहीं है और उस डॉक्टर की बातों पे भरोसा, लाइक व्हाट द हेल। एंड फिर उसके बाद हमारा जो गीत होता है वो कहता है कि एनी थिंग, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो और अगर पूछना चाहो तो वो भी पूछ सकते हो। हमारा जो इनवो होता है वो कुछ पूछने वाला था एंड तभी वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। एंड वो स्माइल करता है, फिर आगे कहता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खास बात है जो मैं याद करना चाहूँगा। एंड फिर उसके बाद कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारा गीत एंड इनवो साथ में थे, शायद ये गीत और इनवो में से किसी की मेमोरी हो सकती है। वो दोनों सोच रहे थे जहाँ पर हमारे इनवो को नोज प्लेटिंग हो रही थी। एंड तभी हमारा जो गीत होता कहता है कि मिस्टर पिटमैन सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने जैसी कह दी सब कुछ तैयार हो चुकी हैं। एंड हमारा जो इनवो होता है वो हमारे गीत को देख रहा होता है और ये उस टाइम का सीन था जब हमारा जो इनवो था वो हमारे गीत का सेक्रेटरी हुआ करता था। एंड तभी हमारा जो गीत होता है वो इनो की तरफ देखने लगता है। एंड तभी इनो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मेरे जैसा बोरिंग पर्सन होगा। एंड तभी गीत कहता है लेकिन अभी, एंड तभी वो गुस्से में कहता है कि क्या तुम अब मुझसे इन सारी चीज़ों का रिवेंज लेने वाले हो, क्योंकि हमारे इनो को वो सारी चीज़ें तो याद नहीं थी, वो स्वीट मोमेंट्स याद नहीं थे जो चीज़ें उसने इनवो एंड कीत के बीच महसूस की थी। आई मीन हमारे कीत ने और हमारे इनवो ने एक साथ जो पल बिताए थे वो हमारे इनवो को ज़रा भी याद नहीं थी। उसे तो वही चीज़ें याद थी जहाँ पर हमारे कीत उसे अवॉइड किया करता था और उसे हमेशा टॉन्ट करना चाहता था। एंड तभी हमारा जो इनवो होता है कहता पार्डन, एंड तभी कहता आई एम सॉरी, एंड तभी कीत कहता व्हाट। एंड तभी आगे हमारा जो कीत होता है उसकी तरफ देखने लगता है, तभी इनवो डर जाता है और कहता है आई एम सॉरी, लगता है मेरा जोक इतना ज़्यादा बेकार था ना। एंड ये ऑफकोर्स ये टॉन्ट वाली ही बात हो गई क्योंकि ऑफकोर्स उसे कुछ भी याद नहीं है और हमारे कीत को सब कुछ याद है और उसे ये सारी चीज़ें टॉन्ट वे में लग रही थी। एंड तभी हमारा जो कीत होता है वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। एंड तभी इनवो कहता है मिस्टर पिटमैन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। एंड तभी हमारा जो कीत होता है वो कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम डॉक्टर से क्यों नहीं पूछ लेती, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम वैसे भी मेरा बिलीव करने वाले हो नहीं, क्या तुम करोगे बिलीव। एंड उसके बाद वो ज़ोर से दरवाजे को पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। एंड हमारा जो कीत होता है उसके जाने के बाद इनवो उसे देखने लगता है क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कीत को सडनली हुआ क्या। एंड फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है एंड जहाँ पर डॉक्टर से बात हो रही थी, जहाँ पर कीत इनवो एंड हमारा जो डॉक्टर था वो बैठा हुआ था। एंड वो कहता है देखो सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो, मैंने तुम्हें सारी चीज़ों के आंसर दे दिए हैं। एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो इनवो होता कहता है लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी जो मेमोरी है वो वापस कब आएगी। एंड तभी जो कीत होता है उसकी तरफ देख रहा होता है एंड जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि बस हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो इनवो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। एंड फिर उसके बाद वो सडनली आगे कहता है कि एक मिनट, अगर मेरी याददाश्त गई है कि तो इसका मतलब अगर मैं अपने सर को दोबारा हिट करूं तो मेरी याददाश्त वापस आ सकती है। एंड तभी कीत गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, आई मीन दोबारा सर को क्यों हिट करना है। एंड तभी डॉक्टर कहता है कि मैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ब्रेन में और कोई शॉक लगे। आई थिंक हमारा जो कीत हमारा जो एनवो है वो कुछ ज़्यादा ही ड्रामा देखने लगा है जहाँ पर दोबारा सर में चोट लगने से आपको सारी याददाश्त वापस आ जाती हैं, जबकि ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आता। सो गाइस आप लोग भी ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना। हमारा जो कीत होता है वो हमारे इनवो को ही देखे जा रहा था एंड इनवो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था इस सारी चीज़ों से कि उसकी याददाश्त चली गई है। एंड उसके बाद डॉक्टर कहता है कि तुम्हें इन सारी प्रॉब्लम को फेस करने की ज़रूरत है, आई मीन बस हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, आई मीन ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए बट देखते हैं कितना टाइम लगता है तुम्हारी याददाश्त को वापस आने में, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद डॉक्टर कहता है आई गेस तुम्हारी याददाश्त जल्दी ही वापस आ जाएगी अगर तुम पुराने इन्वायरमेंट में वापस जाओगे तो। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। एंड उसके बाद हमारा जो इनवो होता है एंड कीत कार में बैठे होते हैं, इनवो कहता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, कीत कहता है कि हम लोग हमारे घर जा रहे हैं। एंड तभी इनवो कहता है मैं लेकिन क्यों। एंड इस बात से हमारे कीत को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड तभी वो थोड़ा सा शाउट करते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गए, आज मैंने तुम्हें सुबह में ही बताया था ना,
तुम्हारी मेमोरी इतनी ज्यादा बुरी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती ना कि तुम सुबह की बात बताई हुई अभी के अभी जस्ट भूल गए। तुम्हारे सर में फिर से चोट लग गई क्या? कहीं तुमने अपने सर को फिर से हिट तो नहीं किया ना बिना मेरे जाने हुए? क्या तुमने ऐसा किया? एंड तभी हमारा जो इन्हों होता है कहता है आई एम सॉरी। एंड तभी की जो होता है वो अपने आप को शांत करता है और कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा टेम्पर इतना ज़्यादा खोते जा रहा है। मैं अपना टेम्पर लूज नहीं कर सकता उसके सामने, मुझे थोड़ा सा शांत रहना चाहिए अदरवाइज मैं इसको डरा दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए अपने में। एंड तभी वो शांत करता है खुद को और कहता है एंड तभी कहता है कि आराम से मुझे बात करना सॉफ्ट टोन में। एंड तभी कहता है कि इनवो मैंने कहा ना कि मैं और तुम मैरिड हैं तो ऑफ कोर्स तुम्हें मेरे घर पर रहना पड़ेगा मेरी शादी के बाद। हमारी शादी हो चुकी है तो तुम मेरे साथ रहोगे ना, और हमारा एक बेबी भी है, मैंने तुम्हें बताया था ना। एंड फिर उसके बाद हमारा जो इनवो होता है वो कहता है कि क्या ये सच में ये बात सही है? मेरे लिए ये सारी बातें बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि मेरी मैरिज मिस्टर पिटमैन से हो गई है। एंड फिर उसके बाद हमारा जो कीथ होता है वो अपने गुस्से को शांत करता है और किसी तरीके से ज़बरदस्ती की स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा मैं इंसान लगता हूँ जो इस सिचुएशन में मजाक करूँगा? एंड ये बात सुनते ही हमारा जो इन्हों होता है कहता है नहीं ये बात नहीं है। ऐसा लगता है कि लगता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन खो गया है जस्ट अभी। मैंने तुम्हें देखा है। आई थिंक शायद कुछ गलत हो। एंड वो बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन इनडायरेक्टली वो कह रहा था कि शायद हमारा जो कीथ है वो पागल सा हो गया है। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं पागल हो गया हूँ? एंड तभी इन्हों कहता है आई एम सॉरी बट शायद तुम्हारे फेनोमोन्स की वजह से शायद हो सकता है ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो सके। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसा एक मैन मेरे जैसे मैन से एक मैरिड करे और हमारे एक बेबी भी हो। एंड उसे तभी याद आता है कि ऑलरेडी कीथ ने कितनी बार कहा था कि तुम एक मैन हो और मैं तुम्हें कभी भी टच नहीं करूँगा। अगर उन दोनों के बीच कोई भी इंटीमेट चीज़ नहीं हुई तो उनका बेबी कैसे हो सकता है? और उसने खुद कहा था कि वो एक मैन कभी टच नहीं करेगा तो ये कैसे हो सकता है? एंड तभी वो आगे कहता है कि शायद ये तुम्हारा कोई इल्यूजन हो या फिर कुछ और। एंड तभी हमारे कीथ को हमारे उस डॉक्टर की याद आती है। वो डॉक्टर कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, आप कभी कभी इरेटेड बहुत जल्दी हो जाते हो लेकिन प्लीज़ केयरफुल रहिए। उसको याददाश्त सच में चली गई है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो जो हेल्थ है ना वो स्टेबल रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। एंड तभी जो कीथ होता है खुद के गुस्से को शांत करता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा इल्यूजन है तो मैं यही कहूँगा कि तुम क्यों नहीं फाइंड आउट खुद से कर लेते कि मेरा इल्यूजन है या फिर सच है। तभी जो इन्वो होता है वो कहता है कि देखो यहाँ पर कोई भी शर्म की बात नहीं काउंसलिंग कराने में। मैं एक स्टूडेंट का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ या फिर एक साइकेट्रिस्ट से एक अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। एंड ये बात सुनते हमारे कीथ को गुस्सा आता है क्योंकि कीथ को लिटरली वो एक पागल समझ रहा था, एक क्रेजी पर्सन। एंड तभी हमारा कीथ कहता है इनवो। एंड फिर वो आगे कहता है कि देखो मैं कोई क्रेजी पर्सन नहीं हूँ और ना ही मैंने अपने फेनामोन को ड्रिंक किया है। एंड अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम अपने प्यारे से माउथ को चुप रखोगे? प्लीज क्या तुम शांत हो सकते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब पागल हो जाऊंगा अगर मैं पागल नहीं हूं तो। एंड उसे लगता है कि मैं अपने आप को कितना पुश करूं, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हूं, शांत करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन अगर इन्हों की मेमोरी कभी वापस नहीं आई तो क्या मैं इतना ज़्यादा पेशेंस रख पाऊंगा? क्या मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा जेंटल हो पाऊंगा? क्या मैं इतना ज़्यादा गुड नहीं तुम्हारे साथ रह पाया तो फिर क्या होगा? मैं पास्ट में भी तुम्हारे साथ इतना अच्छा नहीं रहा हूँ लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं अब अच्छा रह पाऊंगा कि नहीं। अगर तुम्हारी मेमोरी रिगेन नहीं हुई तो अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए तो क्या होगा? एंड वो यही सारी चीज़ें सोच रहा होता है। एंड इन्हों ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है और सोचने लगता है कि ये क्या फिर से गुस्सा हो गया? क्या ये एक डीप ब्रीथ ले रहा है? एंड इसीलिए मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। जब मैं हॉस्पिटलाइज था शायद इसलिए मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा पाया लेकिन अब मैं लेकर जाऊँगा। एंड तभी वो आगे कहता है आई गेस कि मैं वो इंसान नहीं हूँ। एंड फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई डोंट नो कि हमारे इन्हों के कहने का क्या मतलब था कि वो इंसान नहीं है।
वो क्या कहना चाहता है ये अभी भी नहीं क्लियर हुआ है, बट देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में उन दोनों के बीच क्या होता है एंड हमारे इनमो को सब कुछ चीज़ें याद आती हैं या फिर नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू सून गाइस।